मुंबई में आज ONGC के पवन हंस हेलीकॉप्टर को अरब सागर में आपात लैंडिंग करानी पड़ी। इस टॉपर में चालक दल के 2 पायलट और 7 यात्री सवार थे। यह हादसा मुंबई के पश्चिम में ऑयल रिग सागर में हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक ONGC के हेलीकॉप्टर ने ऑयल रिग सागर किरण के पास मुंबई समुद्र से 60 नॉटिकल मील पश्चिम में आपात लैंडिंग की। जानकारी मिलने पर तटरक्षक का जहाज घटनास्थल पर रवाना कर दिया गया। हेलीकॉप्टर में ONGC के 6 कर्मचारी सवार थे और एक व्यक्ति कंपनी के साथ काम करने वाले ठेकेदार से संबंधित था। हेलीकॉप्टर को आपातकालीन स्थिति में उतारने के लिए फ्लोटर्स का उपयोग करना पड़ा, जो ऐसे तांबे से जुड़े होते हैं जो कर्मचारियों और सामान को किनारे से समुद्र में तट से दूर प्रतिष्ठानों तक ले जाते हैं। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि किन परिस्थितियों के कारण आपातकालीन लैंडिंग हुई। अन्य ब्यौरे का भी इंतजार है। ONGC के अरब सागर में कई रिग और प्रतिष्ठान हैं, जिनका उपयोग समुद्र तल के नीचे स्थित भंडारे से तेल और गैस के उत्पादन करने के लिए किया जाता है। ONGC ने ट्वीट किया कि अरब सागर स्थित मुंबई हाई में ONGC दी सागर किरण के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 7 यात्री और 2 पायलट सवार थे और आगे का बचाव अभियान अभी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।